From Gilgit-Baltistan to Karachi, Pakistan witnessed an endless series of destruction due to heavy monsoon rains which started from mid-June 2022. The record-breaking rainfall that led to severe flooding washed away roads, crops, infrastructure and bridges, killing more than 1,000 people and affecting 33 million. While the flood swept away many precious lives, properties, livestock and everything that came in its way, there was one thing that it failed to take away from the people, which is their courage. In search of hidden stories of bravery, we first traveled to Juhi, a small town of Dadu district. The residents of Juhi preferred to fight the flood instead of evacuating by constructing a flood protection ring embankment, locally known as Ringban, and that too without the support of any machinery. The entire area around Juhi was submerged in flood, due to which the only way to reach the town from Dadu is through boat. मेरा नाम धनी बख्श है। ये सैलाब का पानी है। ये आया दो महीने पहले आया था। सारा पका इलाका था। ये दादु है जो ही है। इसके बीच में हम कश्ती चलाते हैं। दो महीने हो गए। माल, मोटरसाइकिल, लड्डू सब इसके मिल जाते हैं। दादु जो ही कश्ती से 20 मिनट के दूर है। जो ही शहर उससे पास में लेकर जाता हूँ आपको। उसने पान मेहनत करके उसको बचा लिया है। मेरा नाम अमजद हुसैन सुमरो है और मैं हाई स्कूल टीचर हूँ यहाँ पे जूही में। मेरा ताल्लुक जूही शहर से है और जूही शहर जो है वो दादू डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है। इस शहर में इस शहर की कोई मशहूरी कोई ख़ास कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 2010 और 2022 का जो सैलाब था उसमें जो हमने जूही वालों ने जो जद्दोजहद की है, जो मेहनत की है अपने शहर को बचाने के लिए, तो उसने एक तारीख रकम की है जिसकी वजह से हमारा शहर जो है पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। इस बंद को हमने बनाया कैसे और अपने शहर को बचाया कैसे और लोग इकट्ठा कैसे हुए, असल में ये 2010 में जैसे मैंने बताया कि एक मिसाल बनी हुई थी कि जूही वाले अपने शहर को बचा सकते हैं। तो 2022 अभी इस साल जो सैलाब आ रहा था तो हमें पता चला कि बलूचिस्तान से जो पानी आ रहा है और वो यहाँ से ही गुजरेगा क्योंकि यहाँ से इसका रूट बना हुआ है। तो हमें वार्निंग्स दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी दादू की तरफ से वार्निंग्स दी गई कि आप शहर को खाली करें। हमने लोगों को इकट्ठा किया कि भाई आपने घर से भागना है या घर को बचाना है। तो लोगों ने कहा कि भाई भागने से कोई कुछ नहीं होगा, हमने अपने शहर को बचाना है, इस मुसीबत को फेस करना है। वहाँ
हमें ये मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि फ्लड कहाँ से आ रहा है। बताया जा रहा था एक हिल्टोरियन से, खुजदार से आ रहा है, एक दूसरी लोकेशन बता रहे थे कि मंचर झील से आ रहा है, तीसरा बता रहे थे MNV ड्रेन से आ रहा है। तीन जगह से फ्लड आ रहा था, क्योंकि हमें बहुत खौफ था उस टाइम, हम परेशान थे। जो भी हमारी ग्रुप्स हैं वुमेन के और हमारी जो यहाँ की जो भी ख़वातीन हैं जो मेरे साथ होती हैं, उनका बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था कि ऐसा अब क्या करें, आप निकल रही हो तो हम भी निकलें। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि हमने सुना है कि पानी बहुत बढ़ गया है, तो क्या हम किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएं, जामशुरू या हैदराबाद शिफ्ट हो जाएं। तो मैंने अम्मी को कहा कि अगर आप जाएंगी तो बंद पे काम करने के लिए मेरे लिए कौन सी वजह होगी, मैं किसके लिए काम करूँगा। मेरी अम्मी रात को 12 बजे कमरे से आ रही थी, वापस जा रही थी कि बोल रही थी कि तुम तो नहीं निकल रही लेकिन बच्चों को तो निकालें ना, बच्चों को मतलब कैसे करेंगे। फिर मैंने अम्मी को बोला कि आप और बच्चे, आप भला खौफ हो रहा है तो आप शिफ्ट हो जाएं हैदराबाद, और मैं, मेरे साथ मेरा भाई था और मैं थी, मैंने कहा कि मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ रहना है। ये जब सैलाब का पता चला कि सैलाब का पानी आ रहा है यहाँ से, जो ही ब्रांच से कट दे रहे हैं, तो वो कट जो है कट देने के वजह से पानी यहाँ से गुजरेगा, तो हमने लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से हमने उनको इकट्ठा किया, होटलों पे गए, लोगों को बताया कि भाई पानी आ रहा है, आपने रिंग बंद को बचाना है और शहर को बचाना है, और सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे, मोबाइल्स पे मैसेजेस किए, लोगों के घरों में गए, हम ऐलान करवाए, रिक्शाओं पे बैठ के, चिंगची पे बैठ के हमने ऐलान करवाए कि भाई आ जाएं, शहर को बचाना है। तो ये तकरीबन 80,000 का जो पॉपुलेशन का जो शहर है, उसमें ऐसा कह सकते हैं कि 70% लोग जो हैं वो यहाँ पे आते रहे मुख्तलिफ औकात पे। तो हमने यहाँ पे काम किस तरह किया कि यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें हमने जो पॉइंट्स बनाई हुई थी, तकरीबन 13 पॉइंट्स थी, मेन पॉइंट्स, ये 7.5 किलोमीटर का जो बंद बना हुआ है जो इस शहर को बचा रहा है, तो उस पर हमने पॉइंट्स बनाई थी तकरीबन 13 पॉइंट्स। तो उसमें जिस पॉइंट पे जिस चीज़ की कोई भी ज़रूरत होती थी या कोई भी इमरजेंसी होती थी, तो हम एक दूसरे को बता देते थे कि भाई यहाँ पे पहुँच जाएँ, ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे बंद को मजबूत करना है, यहाँ पे बोरियाँ लगानी है, यहाँ पे जो है प्लास्टिक शीट्स लगानी है, तो ये काम करते थे। अब ये है कि ये जो जैसे आपको दिख रहा है ना अभी, तो ये इस तरह से नहीं था, यहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, तकरीबन 4,000 से 5,000 लोग एक टाइम पे काम कर रहे थे। पानी इतनी तेज़ी से आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बंदों को मैं सारा दिन भागता था, सारा दिन, कि भाई जल्दी करो, पानी अगर हमारे सर से ऊपर चला गया तो हमारे घर टूट जाएंगे, हमारा शहर ख़त्म हो जाएगा। 2010 का जो हमारा तजुर्बा था, इसी लिए हमने फैसला किया कि हम इस बार भी इंशाल्लाह इस शहर को बचा पाएंगे। हमारे पास गाड़ियाँ भी थी, ट्रैक्टर, लेकिन गाड़ियों से और ट्रैक्टरों से तो काम नहीं चला, बंदों के सिवा कुछ भी काम नहीं हो सका। ये कट्टे लगाते हैं बंदे हमारे जो भी हैं, हम भी इसी काम में तजुर्बा रखते हैं, हमारे बंदे भी तजुर्बा रखते हैं। ज़रूरत है, मेहरबानी करें जल्द खां जल्द इतने सब पहुँचो, जो है माने जी वॉलंटियर की ज़रूरत है, महरबानी करें पहुँचो। जो लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, तो उनके पीठ पे छाले पड़ गए थे ये बोरियाँ उठा के, और कुछ तो ज़ख्मी भी हुए थे बहुत सारे। उनको हमने कहा कि भाई आप घर जाओ, आप कुछ दिन, एक दो दिन आराम करो, रिलैक्स होके फिर आना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक जंग का मैदान है, जंग का माहौल है, इस जंग को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऐसे ऐसे वाक्य हमने यहाँ पे देखे जो पहले हमने कभी अपने ज़िंदगी में नहीं देखे ना, कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना, वो एक बूढ़ी औरत थी, एक मज़दूर भी थी, कम से कम उसकी जो एज है वो 60 प्लस थी,
वो भी यहाँ पे हमारे साथ काम कर रही थी। उसके अलावा एक और हमारा माजूर एक लड़का था, वो बेचारा चल नहीं पा रहा था, लेकिन वो यह था कि हमारे एक पॉइंट पे, यहाँ पे हमने 11 पॉइंट बनाए हुए थे ना टोटल, तो एक पॉइंट पे वो बैठा हुआ था। वहाँ पे कोई भी हम चीज़ें रखते थे वो जाँच पड़ताल उसका ही काम था, वो चीज़ें को देखभाल करता था, चल नहीं सकता लेकिन वहीं बैठ के वो काम कर रहा था। लाला चप्पी था मैं मंद थे चौथी दिन हूँ हाँ पाँचते ये छीते रहूँ हमारे वो इंद मंद थे चौथी दिन हूँ तो ना थे पाँचते हो। यहाँ पे जब हम बंद पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा था। उसी टाइम पे जो है ना हमारे को पता चला कि साइड में एक घर में जो है एक औरत इंतकाल कर गई, तो उस टाइम पे हम ये परेशान थे कि अब हम बंद पे काम करें या वहाँ पे जाएं। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने फैसला यहाँ पे सब लोगों ने ये किया कि वो उसको तदफीन के लिए जो जनाजा नमाज होगी वो भी हम यहाँ पे बंद पे ही पढ़ेंगे, और तीन दिन जो बैठते हैं शोक मनाने के लिए वो भी हम यहाँ पे ही बैठ के रिंग बंद पे वो हम तीन दिन वहीं पे बैठते रहे। बंद पे काम चल रहा था तो वैसे तो 18 दिन तक पूरा काम चल रहा था, दिन रात बिल्कुल 24 घंटे 24 आवर्स यहाँ पे काम हो रहा था। मुख्तलिफ जगहों पे बोरियाँ लगाने का सिलसिला जारी था, वैसे निगरानी भी कर रहे थे कि कहीं से कोई ख़तरा तो नहीं है इस बंद को। और जो प्रोफेशन की हम बात करें तो हर प्रोफेशन का बंदा यहाँ पे था, उसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे और टीचर्स जो हैं, फार्मर्स, हारी, और मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं था जो यहाँ पे बंद पे नहीं था। स्पेशली हर प्रोफेशन के साथ साथ जो हमारा हेल्थ प्रोफेशन है उसमें मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो भी मेरे ख्याल में सर फहरिस्त हैं। हम डॉक्टर कम्युनिटी ने ये किया था कि हम जो अपने यहाँ लोकल डॉक्टर्स हैं 15 के करीब हैं, हमने आपस में मीटिंग की थी और हमने ये डिसाइड किया था कि जो लोग हमारे वहाँ पे ऑन द ग्राउंड जो हैं, स्पेशली जो वो बोरियाँ उठा रहे हैं, जो मिट्टी डाल रहे हैं, उनको हमने ये सोचा कि हम किस तरह अपना एक अपनी हेल्प वहाँ दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम डॉक्टर कम्युनिटी डे आपस में डिसाइड किया कि डेली बेसिस पे हम उनको लंच देंगे और हम कंटिन्यूस देते रहे अराउंड जो क्रूशल टाइम था 12 से 13 दिन, उसमें डेली जो लंच थी वो डॉक्टर कम्युनिटी से जा रही थी। साथ में साथ हमने ये किया कि हमने उनको बता दिया था कि और भी अगर कोई हेल्प हो, मतलब कहीं और से नहीं आ रही और ज़रूरी है तो हमें आप कम्युनिटी डॉक्टर कम्युनिटी को बताएं तो हम उनको इंशाल्लाह करेंगे। उसमें फाइनेंशियल भी एड हमने हर डॉक्टर ने थोड़ी बहुत दी है। औरतें और बच्चे भी यहाँ पे काम पे आते थे। सुबह के टाइम पे तकरीबन औरतें आती थी 1.5-2.5-3 घंटे तक, जितना वो काम कर सकती थी काम करती थी। इससे वो ये अपने शहर वालों को, अपने बंद पे जो काम करने वाले जो लोग थे उनको एक जैसा कि हम इनक्रेजमेंट के लिए वो भी आती थी कि भाई हम भी आपके साथ हैं। रिंग बंद का एक ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप में अपडेट्स आती रहती थी कि पानी इतना फुट बड़ा है, इतना फुट बड़ा है, आगे आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें मैं भी थी तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो मैं उस जो हमारी ख्वातीन थी वो, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी ख्वातीन थी वो ट्रामा में भी चली गई, वो नफ्सियाती तौर पे वो परेशान हो गई कि अब हम निकल भी नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं। पहले ही हालिया दो बारिशों ने उनके घर के जो हैं घर तबाह हो गए, घर गिर गए, तो इस कंडीशन में वो अपने जो कहाँ क्या क्या उठाएंगी। तो हमने उनको ख्वातीन से मैं गई मिली और उनको बोला कि भाई हम भी इनके साथ जो है ना अपना रिंग बंद बचाने में अपना रोल अदा करें, क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी मतलब लाउड स्पीकर के थ्रू हो रही थी और प्लस में सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई आ जाएं, सब आ जाएं, मिलके साथ दें। तो हमने भी जो हमारे भाई थे, हमारे जो भी जो ही के लोग थे उनके साथ हम भी निकल पड़े, घर घर से जो हमारी ख्वातीन थी सब निकल पड़े, ग्रुप की सूरत में निकल पड़े कि भाई हम भी आपका साथ देंगे, क्योंकि
जाहिर ही है हमारी जो चारों तरफ पानी था कि कोई भी ऐसा मतलब इलाका नहीं था जो बच सके। एक जोही के जो तीन चार वार्ड थे वही बचे हुए थे। अगर यहाँ भी पानी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है तो हमारा जो जाहिर हमारा और कुछ नहीं, हमारे एक छोटे से मकान है वो भी डूब जाते और हम साथ में निकल पड़े और अपने हमारे जो हैं सिंधी में उनको हम पास के बोलते हैं वो कम हो गए थे। तो हम अपनी अपने घरों से वो कोई 10 लेके आई, एक औरत वो 10 वो लेके आई, बैग्स लेके आई, कोई 5 लेके आई, कोई 15 लेके आई, ऐसे हम निकल पड़े और मिट्टी के साथ वो हम भर के अपनी जो रिंग बंद है अपने जो साथी हैं भाई हैं उनके साथ हमने मिल के काम किया। अच्छा ये है कि ये जो बंद 7.5 किलोमीटर तक बना हुआ है इसमें प्लास्टिक की बोरियाँ और लकड़ियाँ और प्लास्टिक शीट्स जो लगी हुई थी उसमें हमारा एक जो ग्रुप बना हुआ था उसमें कुछ हमारे शहर के जो लोग थे जो यहाँ पे नहीं हैं कुछ फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रहे थे, वो हमें पैसे दे रहे थे। कुछ यहाँ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स ने जो लंच का अरेंजमेंट किया था कि जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए हम लंच का अरेंजमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल एक मैनेजमेंट बनी हुई थी काम के लिए कि भाई आपने खाना देना है, आपने बोरियाँ भरवानी है और आपने जो है ये लकड़ियाँ और जो प्लास्टिक शीट्स हैं वो कलेक्ट करनी है, वो यहाँ पे रखवानी है। मेरा नाम जुमन जमाली है, मैं जोही से बिलोंग करता हूँ। और जब हमें ये बताया गया कि आप लोगों का शहर डूबने वाला है, जब पानी ज़्यादा आया था तो उस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी वालों ने हमने आपस में एक मीटिंग की कि हम जोही के लिए क्या कर सकते हैं। असल में सबसे बड़े चैलेंजेस हमें हुए कि मतलब एक तकलीफ़ नहीं थी, तकलीफ़ें तो बहुत थी, जैसे दिन में धूप में काम करना और रात के टाइम पे फिर जैसे पानी बढ़ता गया तो सांप बलाएँ वो भी निकल रही थी, तो फिर पूरे रिंग बंद पे लाइटिंग का जैसे इंतज़ाम था उसका बड़ा फुकदान था। तो फिर लाइटिंग हमने बढ़ाई वहाँ पर और क्योंकि सर्कल में तो रिंग बंद 16 से 16.5 किलोमीटर है तो उसकी हवाले से वहाँ से जैसे पेट्रोलियम हो रही थी, पेट्रोल भी चाहिए था, मोटरसाइकिलें भी दरकार थी वो भी चाहिए होती थी और खाने पीने के हवाले से हम खुद मजदूरी तो नहीं कर सकते थे हम खुद, तो उसी वजह से फिर हमने उनके लिए जैसे पानी हो गया, जूसेस हो गए, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया और खाली कट्टे हो गए और वहाँ के प्लास्टिक की शीट्स हो गई, लकड़े वगैरह वो हो गए, तो हमने वो प्रोवाइड किए मिलकर जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी लोग थे, मिलकर हमने उनको प्रोवाइड किए ताकि वहाँ का काम हो सके। उस टाइम पे हमारे जो भी इस रिंग बंद को बचाने में सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारी जो भी कम्युनिटी के थे, भील थे, कूली थे, ओड थे और हर फैमिली का फ़र्द था, हर जात पात का जो था ना उनमें फ़र्द था, उसमें फिर हमारा जो हैं मर्द थे, बच्चे थे, औरतें थीं और प्लस में उनमें हमारे जो ट्रांसजेंडर का भी उसमें रोल रहा है। पानी हमने देखने गए थे उधर तो हमारा पानी थोड़ा थोड़ा पाँव पर आया था, अपने क्या बोरियाँ उठा के लेके ऐसे और बंद पे डाल दिया और रिंग बंद पे जो बड़े थे, छोटे थे, बूढ़े थे और सारे ने मदद की थी, अपने शहर को बचाया। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, पानी आ रहा था, मैं बोरियाँ भर उन्हें को दे रहा था, मामे चाचे आ रहे दे रहा था, उसके लगाने बंद मजबूत थी रही थी, शहर बच गया था। मैं कम पीछे छोड़ दिया सी। तो गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया कि उन्होंने मशीनरी दी और मशीनरी देने की वजह से ये बंद की जो हाइट है कुछ हमने बढ़ा ली। इस बंद की जो हाइट है तकरीबन 14-15 फीट है, पहले 6-7 फीट थी, तो ये इस बंद की हाइट भी बढ़ गई है और इसकी जो वेट है वो भी बढ़ा दी है क्योंकि जो 2010 से पानी ये जो डबल था और इसका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा था उस 2010 वाले सैलाब से, तो ये इस तरह से हमने जो है अपने शहर को।